साथियों, मैं अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ। और जैसा आप बहुत सारे वीडियोस में काफ़ी लोगों तक ये पहुँच गया है, बट कुछ लोगों तक जो पहुँचा नहीं है वो मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि आज का जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ था, आप सबको पता था हम दिन रात यहाँ पर प्रयास कर रहे थे और जो जजमेंट आया है वो हमारे फेवर में आया है दोस्तों, है ना। तो आप ये वीडियो के माध्यम से क्लियर समझ जाएंगे जो हमारे एडवोकेट ने आपको स्टेटमेंट दिया है, तो एक बार देखिएगा और समझिएगा। और यही बोलूँगा, विजयी भव। एक्चुअली आज 29 अगस्त 2023 को ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा था। ये जो इशू है, ये जितने भी छत्तीसगढ़ में जो बीएड स्टूडेंट का ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2023 में, अभी जजमेंट जो आया है उस जजमेंट में 2028 का जो नोटिफिकेशन था सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस कर दिया, क्वेश्चन कर दिया। तो इसका असर पूरे भारत को पड़ा है और हम जो आज अपेयर हुए थे वो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो बीएड स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अपेयर हुए थे। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जो नोटिफिकेशन निकाला था 2023 में, उस नोटिफिकेशन में कुछ लोगों ने वो हाईकोर्ट में चैलेंज किया था कि बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग में आप मत बैठाइए, काउंसलिंग में अलाउ मत करिए। तो हाईकोर्ट ने बीएड स्टूडेंट को काउंसलिंग से अलग कर दिया, हटा दिया काउंसलिंग से। और जिसके अगेंस्ट में हमारे जो स्टूडेंट थे बीएड स्टूडेंट, जिनकी तरफ से मैं आज कोर्ट में अपीयर हुआ, वो लोग उसमें पार्टी नहीं थे। तो इस केस में हमने परमिशन टू फाइल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया और ये मैटर कल हमने बहुत मुश्किल से कल इसको फाइल किया और आज वो मेंशनिंग करके लगवाया इसको, आज मैटर लगा था आइटम नंबर 54। और कोर्ट ने सारी चीजें ऑब्जर्व करी, हमारा ये आर्गुमेंट भी, हमने ये मेंशन भी किया कि जब एक व्यक्ति चाहे आईएएस का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, उसमें एक बीए स्टूडेंट भी कर सकता है, एमए स्टूडेंट भी, पीएचडी वाला भी, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू जॉब करना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, वो जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो हमने ये बोला कि इस केस में, इस ये जो मैटर है, इस मैटर में जो जजमेंट आया है वो 2023 का आया और 2018 से लेकर 2023 तक बहुत सारे स्टेट ने नोटिफिकेशन निकाले हैं जिसमें कि बीएड स्टूडेंट बैठे हैं और एग्जामिनेशन में सेलेक्ट हुए हैं और सेलेक्ट होने के बाद उनका जो काउंसलिंग होती है उसमें रोक दिया गया, जबकि ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये ऑर्डर पास किया है कि जितने लोग एग्जाम में बैठे हैं, जितने बोर्डों की काउंसलिंग कल होनी है, क्योंकि 30 तारीख को काउंसलिंग है 30 अगस्त को, उनको बैठने दिया जाए। और हाईकोर्ट को ये डायरेक्शन दिया है कि हाईकोर्ट और उनको जो स्टेट को ये डायरेक्शन दिया है कि जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जितने लोगों के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उनमें ये क्लॉज डाला जाए कि जो भी उनके अपॉइंटमेंट हो रहे हैं वो आउटकम ऑफ द हाईकोर्ट जजमेंट में माने जाएंगे, क्योंकि मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है। अब हाईकोर्ट का जजमेंट अगर बीएड स्टूडेंट के फेवर में आता है तो बीएड जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो कैंसिल होकर बीएड स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग में आए हैं उन सबका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रेट न्यूज है बीएड स्टूडेंट के लिए। और कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी तक जितने भी बीएड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2018 से 2023 तक का एग्जाम दिया है और जिनका नोटिफिकेशन आया, वो सारे लोग जो है इस एग्जाम में आने वाले फ्यूचर में बैठेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता। और ये मैटर जो जजमेंट है ये गलत जजमेंट है, इसको रिफर किया जाए 3 जज बेंच को या 5 जज बेंच को, ये भी हमारी प्रेयर थी। और फाइनली ये मैटर इश्यू नोटिस हो गया है और हाईकोर्ट डिसाइड करेगी इसको। और जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें ये क्लॉज डाल दिया जाएगा कि आपका अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है वो अपॉइंटमेंट एक टेम्पररी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है जब तक कि हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता। और ऑलरेडी जो हमारे स्टूडेंट, हम क्योंकि पिटिशनर थे नहीं, वहां रिस्पॉन्डेंट नहीं थे, तो हमें स्टेट को जो पिटिशनर थे उनको ही डायरेक्शन दे दिया गया कि जितने भी रिस्पॉन्डेंट यहां पर हैं उनको पार्टी बनाया जाए। तो ये भारत के जितने भी बीएड स्टूडेंट हैं 2018 से लेकर 2023 तक का, उनके लिए बहुत बड़े ग्रेट न्यूज है। यही आज का, थैंक यू।